नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिवोसेट्रिजीन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, लिवोसेट्रिजीन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और लिवोसेट्रिजीन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि लिवोसेट्रिजीन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लिवोसेट्रिजीन टैबलेट एक एंटीहिस्टामिन ड्रग क्लास की दवा है, जिसका उपयोग सामान्य जुखाम, नजला और एलर्जी के लक्षणों से राहत पाने के लिए किया जाता है। एलर्जी या नजला के लक्षण जैसे नाक से पानी बहना, आँखों से पानी आना, आँख, नाक या गले में खुजली होना, छींक आना और शरीर पर कहीं खुजली होने पर आदि लक्षणों से राहत पाने के लिए लिवोसेट्रिजीन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर क्रोनिक अर्टिकेरिया होने पर, त्वचा पर एलर्जी होने पर, त्वचा पर रैशेस और खुजली होने पर भी लिवोसेट्रिजीन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। लिवोसेट्रिजीन एक सॉल्ट नेम है। लिवोसेट्रिजीन टैबलेट को लिवोरिड, टेक्सीन, लिवोसेट और एल्सीजेड आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। लिवोसेट्रिजीन टैबलेट 5 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में लिवोसेट्रिजीन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में लिवोसेट्रिजीन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे मुंह में सूखापन, सिरदर्द, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद आना, नाक से खून आना, गले में खराश होना और उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स लिवोसेट्रिजीन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि लिवोसेट्रिजीन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। लिवोसेट्रिजीन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तौर पर डॉक्टर 6 से लेकर 11 साल के बच्चों को 2.5 mg लिवोसेट्रिजीन टैबलेट को दिन में एक बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं, और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 5 mg लिवोसेट्रिजीन टैबलेट को दिन में एक बार और शाम के समय लेने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि लिवोसेट्रिजीन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लिवोसेट्रिजीन टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और लिवोसेट्रिजीन टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि लिवोसेट्रिजीन टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवोसेट्रिजीन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को लिवोसेट्रिजीन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए लिवोसेट्रिजीन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लिवोसेट्रिजीन टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका लिवोसेट्रिजीन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।